सखीरी मुरली लीजे चोरी। इस पद में अब कृष्ण बड़े हो गए हैं, वर्णन है कि वो मुरली बजाने लगे हैं और मुरली बजाते हैं तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। तो सखियां गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी सखीरी, हे सखी मुरली लीजे चोरी, मुरली बांसुरी, कृष्ण की इस बांसुरी को लीजे ले लेनी चाहिए चोरी चुरा करके, कि हे सखी कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेना चाहिए। जनि गोपाल कीन अपने बस प्रीति सवन की तोरी। इस मुरली ने गोपाल को कृष्ण को कीन केल कर लिया है अपने बस में, कि इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सवन की तोरी, प्रीति प्रेम, सवन की सबकी, तोरी तोड़ करके, कि अब तो इस मुरली ने हम सबके प्रेम को तोड़ करके कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। क्यों छिन्न एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहूँ छोर, कि इस मुरली को छिन्न एक क्षण भी घर भीतर चाहे घर के भीतर हो, निसिवासर, निसी माने रात्रि में, बासर दिन में, चाहे रात हो चाहे दिन हो, धरत न कबहूँ छोर, धरत माने रखते हैं कृष्ण कबहूँ कभी भी, छोड़ी माने हटा करके, कि कृष्ण कभी भी इस मुरली को खुद से अलग नहीं रखते हैं एक क्षण के लिए भी, चाहे घर के अंदर हो, रात हो चाहे दिन हो, कभी भी इस मुरली को खुद से अलग नहीं करते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटि कबहूँ खोसत जोर, कि कर्मा ने हाथ, कि कबहूँ कभी कभी हाथ में इसको लेते हैं, कभी अधरनी होठों से लगा लेते हैं, कटी कमर में, कबहूँ कभी इसको कमर में खोसत घुसा लेते हैं, कभी इसको अपने कमर में रख लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जानो नहीं जानती हूँ कछु मेल मोहिनी, पता नहीं कौन सा जादू किया है, मोहिनी जादू डाल दिया है इस मुरली ने, राखे अंग अंग भोर, कि कृष्ण के प्रत्येक अंग तक को इसने अपने वश में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं हे सखी मेरे प्रभु का मन मुरली के साथ बंध्यो बंधा है, राग की डोर प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। एक बार फिर से देख ले, सखीरी मुरली लीजे चोर, कि हे सखी आओ कृष्ण की हम इस मुरली को चुरा लें, जिस मुरली ने गोपाल को अपने वश में कर लिया है हम सबके प्रेम को छोड़ कर के, कभी चाहे एक क्षण भी इसको अपने से अलग नहीं करते, चाहे घर के भीतर हो, रात्रि हो या दिन हो, कभी भी इसको अपने से अलग नहीं करते हैं। इस मुरली को वे कभी अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने होठों से लगा लेते हैं और कभी अपने कमर में रख लेते हैं। पता नहीं इस मुरली ने ऐसा कौन सा उन पर जादू डाल दिया है कि उनके प्रत्येक अंग को इसने अपने वश में कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं हे सखी मेरे प्रभु का मन बांसुरी से अपने प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है।